नजीर, तुझे गहनों का शौक कब से लगा है या पैसे कम पड़ रहे? रोको उसको। आओ नजीर, कितनी अजीब बात है ना, ये दुनिया किसी को सुधरने नहीं देती। मैंने सोचा था उस औरत का खानदान तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है, हमको पहली बार पूरे खानदान को मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, उसे वहां तभी आना था। नजीर, इस दुनिया में किसी को सुधारना हो तो वो पहले दुनिया ने रचे हुए खेल में फंस जाता है, और उसमें जीत तो दुनिया की होती है। इतनी आसानी से दुनिया किसी को सुधरने नहीं देती, सच में किसी को सुधरने नहीं देती। जब्बार, वो बच्चा तो भाग गया। नजीर, कुछ कुछ नहीं होगा, कुछ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये तेरा जो खेल है ना, ये दुनिया के साथ नहीं है, ये मेरे साथ खेल है तेरा। और ये खेल मैं खेल रहा हूँ तेरे साथ, हारने के लिए खेल रहा हूँ। नजीर, तू सुधरेगा, तेरे हर एक हार के लिए मैं एक स्कोर दूंगा। देख, बच्चा तो नहीं मिला, उसके परिवार वाले गए पुलिस के पास, उन्होंने मिसिंग कंप्लेन रजिस्टर करवाई है। अब ये पुलिस का मामला है भाई, बच्चा तो तुझे मिलने से रहा। फिर जब्बार मुझे मार डालेगा। अबे देख उसने क्या किया मेरे से, देख भाई तू कुछ कर। अच्छा सुन, तू अभी मेरे पास आया है तो यार देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया। बच्चे का फोटो लेके आया क्राइम सीन से। ये फोटो सेंड कर मुझे। कहाँ से आए हो, घर कहाँ पे है तुम्हारा? भूख लगी है, कुछ खाना चाहते हो? इधर मैं पास ही रहता हूँ, चलो मेरे साथ कुछ खा लेते हैं। चलो चलो बैठ बैठ यहाँ पे बैठ। भूख लगी है ना तुझे, कुछ खाना चाहता है ना तू? बट मैं कुछ तो लेके आता हूँ। जब्बार, वो बच्चा तो लापता है, पर ये पुलिस केस हो गया, वो उसके रिश्तेदारों ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराया। पर हाँ, ये फोटो है मेरे पास।
समाएगी तारों की चादर में निंदियाँ आएगी हल्के से हौले से हल्के से हौले से परियां आएगी सारे आंसू सारे गम को मन से चुरा